हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स स्कूल आरटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 1 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि गॉस डाइवर्जन थ्योरम आखिरकार हमें कहती क्या है और इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं। अब गॉस डाइवर्जन थ्योरम है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, गॉस डाइवर्जन थ्योरम फिजिक्स इवन इन मैथमेटिक्स में यूज होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके द्वारा हम किसी भी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने, जहां पर हमें सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता है और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता है, तब हम वहां पर यूज करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि आखिरकार गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। अगर आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट को दिमाग में बिठाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को ध्यान में रखना होगा। आइए देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की जो डेफिनेशन होगी, जो स्टेटमेंट होगी, वो इसी मैथमेटिकल फॉर्म से हम लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या कहती है हमें? ये हमें कहती है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर टेकन ओवर वॉल्यूम वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर ओवर द सरफेस एस बाउंडिंग दिस वॉल्यूम वी। तो स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है और उस स्पेस के अंदर ए वेक्टर फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वेक्टर फील्ड के अंदर हमें एक क्लोज सरफेस एस लेना होगा, जो वी वॉल्यूम को बाउंड कर रहा होगा। ये जो क्लोज सरफेस एस है, ये एक थ्री डायमेंशनल सरफेस है। ब्लैक बोर्ड पे हम ओनली टू डायमेंशनल पिक्चर को शो कर सकते हैं, एक्चुअली ये सरफेस जो है वो थ्री डायमेंशनल है। तो हमें ये क्या कहता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कि अगर हम डाइवर्जेंस लें ए वेक्टर का और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल करें ओवर दिस वॉल्यूम वी, दैट विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर द सरफेस एस बाउंडिंग दिस वॉल्यूम वी। तो स्टूडेंट्स, इसी मैथमेटिकल फॉर्म को आप वर्ड्स में लिखेंगे, जो कि स्टेटमेंट होगी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर टेकन ओवर वॉल्यूम वी। ये हमें क्या कहता है, वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है आपको किसका, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का लेना है, और वो वी वॉल्यूम के ऊपर आपने लेना है। वो वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर टेकन ओवर क्लोज सरफेस एस बाउंडिंग द वॉल्यूम वी, और ये किसके बराबर होगा, ये उस वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा, और ये सरफेस इंटीग्रल आपको क्लोज सरफेस एस के ऊपर लेना है, जो कि वी वॉल्यूम को बाउंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल फॉर्म से ही आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, इस चीज को प्रूफ करेंगे, मीन्स अब नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे हम प्रूफ ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप कैसे प्रूफ करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इस रिजल्ट को कैसे प्रूफ किया जाएगा। अब आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, कंसीडर अ क्लोज सरफेस एस व्हिच एनक्लोजेस वॉल्यूम वी इन अ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर। तो आपको एक वेक्टर फील्ड ए वेक्टर के अंदर एक क्लोज सरफेस एस कंसीडर करना है, जो कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक अ फुटबॉल। तो स्टूडेंट्स, किसी भी शेप का आप ले सकते हैं, पैरेलल पाइप शेप का ले सकते हैं, क्यूबॉइड शेप का ले सकते हैं। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक आर्बिट्रेरी शेप का थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस एस लिया है वेक्टर फील्ड ए वेक्टर के अंदर, और ये क्लोज सरफेस एस जो है वो वी वॉल्यूम बाउंड कर रहा है, मीन्स इस क्लोज सरफेस का जो वॉल्यूम है वो वी है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे क्या करेंगे आप। लेट अस डिवाइड द गिवन वॉल्यूम वी इनटू अ लार्ज नंबर से एन ऑफ इनफिनिटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स ईच हैविंग वॉल्यूम डेल्टा वी वन डेल्टा वी टू डेल्टा वी आई अप टू डेल्टा वी एन एंड क्लोज बाय सरफेसेस डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू डेल्टा एस आई डेल्टा एस एन रिस्पेक्टिवली। अब आपने क्या करना है, इस वॉल्यूम वी को
छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना है और वो वॉल्यूम एलिमेंट्स का जो नंबर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। हम मान लेते हैं कि हम गिवन वॉल्यूम V को n नंबर ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और तो आप कैसे डिवाइड करेंगे ये देखिए, इसी डायग्राम में आप ये भी बनाएंगे जो मैं यहां बना रहा हूं। ये वॉल्यूम एलिमेंट बहुत छोटे छोटे हैं, यहां पर दिखाने के लिए बड़े बनाए गए हैं, पर ये है बहुत छोटे छोटे और इनका नंबर n है, और n की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज है। जैसे ये पहला वॉल्यूम एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है। इस पहले वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम है डेल्टा v1, इसका सरफेस है ये वाला सरफेस जो है वो है डेल्टा s1। इसी तरह से सेकंड वाले का डेल्टा v2 है वॉल्यूम, और जो सरफेस है उसका सेकंड वाले का वो डेल्टा s2 है। ऐसी ये लास्ट वाला n है, और बीच में कहीं जाके ith एलिमेंट भी आएगा जिसका वॉल्यूम जो होगा वो डेल्टा vi होगा, और इसका जो सरफेस होगा ये वाला बाहर वाला सरफेस ith एलिमेंट का वो होगा डेल्टा एस आई। तो स्टूडेंट्स इसी चीज को हम यूज करते हुए प्रूफ करेंगे आने वाले सेक्शंस में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ है वो मुश्किल होने के साथ साथ बहुत आसान भी है। अगर आप कुछ चीजों को पकड़ के चलेंगे तो आपको ये प्रूफ जो है बहुत आसान लगेगा, नहीं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और ना समझ आने वाला प्रूफ बन सकता है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आगे प्रूफ में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, किसी भी वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड जो होता है वो होता है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। मींस फ्लक्स को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको डाइवर्जेंस मिल जाएगा उस वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का। और फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आपने 12th क्लास में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, उसको हम कैसे डिनोट करते थे, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते थे तो वो क्या होता था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इसी तरह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते थे, तो यहाँ पर क्या आ जाता था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर आ जाता था। उसी तरह से आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर फील्ड ए वेक्टर के फ्लक्स के बारे में। तो अगर आप फ्लक्स निकालना चाहें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम बन जाएगा। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम फ्लक्स निकालेंगे इस ए वेक्टर फील्ड का, इस वॉल्यूम एलिमेंट फर्स्ट वाले वॉल्यूम एलिमेंट में ए वेक्टर का कितना फ्लक्स होगा वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। तो आप लाइन लिखेंगे द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट वन इज गिवन बाय। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम, पहले वो लिख लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम। पहले वाले जो एलिमेंट है हमारा वॉल्यूम एलिमेंट, इसका वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वी वन है, तो यहाँ पर डेल्टा वी वन लगा देंगे हम साथ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम किसका फ्लक्स ले रहे हैं, ए वेक्टर का ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आप सेकंड वॉल्यूम एलिमेंट के लिए फ्लक्स लिखेंगे, ऐसी थर्ड वाले के लिए, ऐसी nth वाले के लिए लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको वो चीज। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट वन निकाल लिया था, जो कि ये निकल के आया था, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इसमें आपको हल्की सी करेक्शन करनी होगी। देखिए स्टूडेंट जो वॉल्यूम एलिमेंट हमने कंसिडर की है वो फर्स्ट है, इसका वॉल्यूम है डेल्टा वी वन और सरफेस है डेल्टा एस वन। तो यहाँ पर आपको एस नहीं लिखना, यहाँ पर आपको डेल्टा एस वन लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको ये करेक्शन जरूर कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट टू इज गिवन बाय। अब सेकंड वॉल्यूम एलिमेंट जो है हमारा ये वाला, सेकंड वॉल्यूम एलिमेंट ये वाला है, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा हमारे गिवन वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का वो कितना होगा, वो भी हम इस इक्वेशन को देख के लिखेंगे। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ओवर सरफेस डेल्टा एस टू इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर डेल्टा वी वन की जगह डेल्टा वी टू आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप nth वाले का निकाल लेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर सरफेस डेल्टा एस एन, जो कि nth वॉल्यूम एलिमेंट का सरफेस होगा डेल्टा एस एन इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, और इसका nth वॉल्यूम एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो डेल्टा वी एन है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद के जो स्टेप्स हैं प्रूफ के वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पेपर के चारों यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिंक्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन को फाइंड कर चुके थे। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे साइड वाइज। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो आइए क्या लाइन लिखेंगे, एडिंग 1, 2 and 3 वी गेट दिस। पहले आपने फर्स्ट टर्म लिख दी लेफ्ट हैंड साइड की, फिर ये वाली टर्म लिख दी, फिर डैश करके ये वाली टर्म लिख दी, इज इक्वल टू। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, डेल डॉट ए वेक्टर सब में से कॉमन आ रहा है, तो डेल डॉट ए वेक्टर हमने बाहर ले लिया। अंदर बचेगा डेल्टा वी वन प्लस डेल्टा वी टू अप टू डेल्टा वी एन, तो इनको हमने ऐड कर दिया। ऐड करके आपको ये मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इनको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा एस वन आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा एस टू आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा एस एन आ रहा है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि n वॉल्यूम एलिमेंट्स लिए हमने। सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये टर्म ऐसे ही रहेगी, और डेल्टा s1, डेल्टा s2, डेल्टा sn की जगह हमें कॉमन टर्म डाल देंगे डेल्टा si, जहां पर i की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक वैरी करेगी, 1, 2 से लेके n तक। और स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, इसको भी हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डेल्टा वी वन है, डेल्टा वी टू है, डेल्टा वी एन है, तो उसको हम लिख सकते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डाइवर्जेंस ऑफ ए, डेल डॉट ए वेक्टर तो ऐसी है, इसको हम ऐसे रहने देंगे। और साथ में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने डेल्टा का साइन गलत लगा दिया, तो डेल्टा और डाइवर्जेंस में आप कंफ्यूज मत होना। डाइवर्जेंस का साइन ये है उल्टी ट्रायंगल, और डेल्टा का साइन होता है ट्रायंगल शेप में, और इसकी जगह हमने डेल्टा वी वन प्लस डेल्टा वी टू की जगह हमने लिख दिया डेल्टा वी आई। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 4 तक निकाल चुके थे, जिसमें हमने ये दो टर्म जो है वो बराबर रखी थी। अब हमें इस टर्म को अलग से मीनिंग देना है और इस टर्म को अलग से डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा एन जो है बहुत ज्यादा होगा, अगर हम गिवन वॉल्यूम को बहुत सारे वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, जब एन की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो इन वॉल्यूम एलिमेंट्स का जो वॉल्यूम है वो जीरो को अप्रोच करेगा, और जब ऐसा होगा तो उस केस में समेशन जो है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4। तो आप ये लाइन लिखेंगे, व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब वॉल्यूम एलिमेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा, देन डेल्टा वी आई अप्रोचेस टू जीरो, तो उस केस में हर वॉल्यूम एलिमेंट के हिस्से में बहुत छोटा छोटा वॉल्यूम आएगा, ना के बराबर वॉल्यूम आएगा, जो कि जीरो को अप्रोच करेगा। और आप जानते हैं समेशन के अंदर जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करे और ये वाली टर्म जो है जीरो को अप्रोच करे, तो समेशन जो है वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। समेशन जो है वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये समेशन जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा। सो समेशन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 चेंजेस इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, सो वी गेट, तो इस समेशन की जगह आपको अब वॉल्यूम इंटीग्रल यूज करना है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन नंबर 4 की वो एज इट इज रहेगी, वो आपने सेम टू सेम यहाँ उतार देनी है। इज इक्वल टू, इस समेशन की जगह वॉल्यूम इंटीग्रल लगा देना है, डाइवर्जेंस डॉट ए, डेल डॉट ए वेक्टर और डेल्टा वी आई की जगह आपको यहाँ पर अब डीवी लगा देना है, ये फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड को तो हमने इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको क्या करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये आखिरकार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच वॉल्यूम एलिमेंट। तो पहले वॉल्यूम एलिमेंट का कुछ फ्लक्स था, दूसरे वॉल्यूम एलिमेंट का कुछ फ्लक्स था, तीसरे का कुछ था, nth वाले का कुछ था, और जब हमने सबको ऐड किया तो हमें ये मिल गया टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल द वॉल्यूम एलिमेंट्स। बट यहाँ पर एक चीज आपको नोट करने वाली है, वो क्या है, हम दो यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो कंसिडर करेंगे, ये ith वॉल्यूम एलिमेंट है, ये jth वॉल्यूम एलिमेंट है। इसका जो आउटपुट फ्लक्स होगा, इस jth के चार बाउंड्रीज हैं, 1, 2, 3, 4, तो उसका जो आउटपुट फ्लक्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बनाना है। और जो ith के भी चार सरफेस हैं, इसका जो आउटपुट फ्लक्स होगा, एक तो इस सरफेस से निकलेगा, एक इस सरफेस से निकलेगा, एक इस सरफेस से निकलेगा, एक इस सरफेस से निकलेगा। आई और जे के बीच में जो कॉमन सरफेस है, कॉमन जो फेस है या सरफेस जो भी आप कह लो, यहाँ पर देखिए ये वाला फ्लक्स इस डायरेक्शन में है, ये वाला फ्लक्स इस डायरेक्शन में है, तो ये फ्लक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ। तो ये लाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये लाइन जो है, ये कॉमन सरफेस जो है
वो इन दोनों वॉल्यूम एलिमेंट्स के कारण जो फ्लक्स आ रहा है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं देगा, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर है फ्लक्स की, एक की डायरेक्शन इधर है, तो इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों वॉल्यूम एलिमेंट्स के फ्लक्स को ऐड करूँ वो किसकी वजह से होगा, वो इन दोनों वॉल्यूम एलिमेंट के सरफेस की वजह से होगा। उसी तरह से मैं अगर आयत एलिमेंट की और इस एलिमेंट की बात करूँ उसके नीचे वाले की, तो उनमें ये सरफेस कॉमन हो जाएगा तो ये सरफेस हट जाएगा, और इसी तरह से जे और इसमें ये कॉमन होगा तो ये हट जाएगा, इस दोनों में ये वाला सरफेस होगा ये हट जाएगा। तो अंदर वाले जितने भी सरफेसिस हैं वो सब के सब जो हैं कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे फ्लक्स में, और आपको जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो सिर्फ किन के कारण मिलेगा, इन सरफेसिस के कारण मिलेगा, वॉल्यूम एलिमेंट्स के उन सरफेसिस के कारण मिलेगा जो कि कॉमन नहीं थे, मीन्स आउटर सरफेस के कारण मिलेगा। तो मीन्स इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये फ्लक्स है किस चीज़ का, जो हमें इस क्लोज सरफेस एस से मिल रहा है जिसमें वी वॉल्यूम बाउंड किया है। जो अंदर वाले फ्लक्स इंटीग्रल्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, बस आपको दो तीन लाइनें और लिखनी है। As the outward flux of two neighboring volume elements through common surface are equal and opposite, क्योंकि जो दो neighboring elements हैं हमारे पास अंदर वाले, उनके through जो flux था, common surface के through जो flux था, एक इधर था, एक का मुंह इधर था, ये ith element था, ये jth element था, उनके flux जो है common surface से equal and opposite direction में थे, हर एक में आप ऐसे बना सकते हैं, तो सारे जो है दूसरे को cancel कर देंगे। So left hand side of equation 5 can be simply written as surface integral of S A vector dot ds vector which is flux of vector field A over surface S bounding volume V। तो इन सबको add करके आपको क्या मिलेगा, इन सबको add करके क्या मिलेगा, वो flux मिलेगा जो इस closed surface S से आपको मिल रहा है जिसने V volume bound किया है। तो इस term को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस form में लिख सकते हैं। तो students next step में मैं क्या करूँगा, इसकी जगह इस टर्म की जगह मैं ये लिख दूंगा और आपका जो प्रूफ हो जाएगा और डायग्राम को मैं आपको अच्छे से बना के दे देता हूँ जो आपने एग्जाम में एग्जैक्टली बना के आना है। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक पे। एक तो डायग्राम देख लीजिए आपको एग्जाम में कैसा बनाना है, ऐसा डायग्राम बनाना है आपको, और कॉमन सर्फेसिस जितने भी हैं अंदर के वॉल्यूम एलिमेंट्स के उनके आपको फ्लक्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट दिखाने हैं। हर एक कॉमन सरफेस के ऊपर आपको एरो इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है, तो हर एक कॉमन सरफेस पे एक काम तो ये कर दीजिएगा, और बीच में दो एलिमेंट शो कर देना, किस कोई भी अल्फाबेट से शो कर दो या नंबरिंग से शो कर दो, जैसे मैंने आई और जे लिखा, आप वन और टू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और हर एक वॉल्यूम एलिमेंट के बाहर आपने एरो भी लगाना है, जैसे हमारा ये वॉल्यूम एलिमेंट का सरफेस है तो यहाँ से एरो भी निकालना है आपने, और ये हमारा सरफेस ऐसा है, ये हमारा वॉल्यूम वी है, तो डायग्राम आपको ये बनाना है। तो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि ये जो फिफ्थ इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस एस बाउंडिंग द वॉल्यूम वी, क्योंकि अंदर वाले जो हमारे कॉमन सर्फेसिस होंगे वो तो फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं करेंगे क्योंकि उनके फ्लक्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। तो इस टर्म को मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आइए लिखते हैं इस फॉर्म में। सो वी गेट, आप यहाँ पर लाइन खत्म कर सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी हैव, तो जो इक्वेशन नंबर 5 की लेफ्ट हैंड साइड है वो ये बन जाएगी, विच इज द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर ओवर द सरफेस एस बाउंडिंग द वॉल्यूम एस बाउंडिंग द वॉल्यूम वी, और इक्वल टू में तो यही रहेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर dv। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका प्रूफ ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, नीचे आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो 6 मार्क्स की थ्योरम है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही आसान लगेगी, इससे आसान आपको कोई टॉपिक लगेगा ही नहीं फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा, मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।